और इधर दिल्ली में इंडी गठबंधन में संयोजक के पद पर अटकलों का दौर जारी है। शनिवार को इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में भी संयोजक पद के लिए किसी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। इस बीच शाम तक कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने खड़गे के नाम पर सहमति बनाने का दावा कर दिया। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके गठबंधन की बैठक को सकारात्मक बताया। हालांकि सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात नहीं हुई, जिसकी वजह से टीएमसी नाराज हो गई है। और उधर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने बड़ा दावा कर दिया है कि इंडी गठबंधन की बैठक में सभी दलों ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने विनम्रता पूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया है। त्यागी साहब, नीतीश कुमार क्या हुआ मीटिंग में, ये बताइए, आपको क्या जानकारी मिला? आप पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है। देखिए, नीतीश कुमार जी भी और जनता दल यू भी पहले भी कह चुका है, हम पुनः दोहराते हैं, नीतीश कुमार जी इस इंडिया गठबंधन के निर्माता हैं, इसके सबसे पहले संयोजक हैं। उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है और बहुत विनम्रतापूर्वक उन्होंने कहा है कि वो किसी पद के दावेदार नहीं हैं। पार्टी के वर्कर उनको बड़े से बड़े पद पर देखना चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं है, सभी पार्टियों के नेता चाहते हैं। वो बेदाग हैं, उनकी शानदार छवि है और उन्होंने इस कारवा को यहाँ तक लेकर के आए हैं। जब हम एनडीए से अलग हुए थे उस समय ना इंडिया गठबंधन था और विपक्ष बिखरा हुआ था, उन्हीं के मैराथन एफर्ट्स थे कि उन्होंने ममता जी को, अरविंद केजरीवाल जी को और अखिलेश यादव जी को कांग्रेस पार्टी के साथ बैठाने में सफलता प्राप्त की। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने बंगाल में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जमीन पर फेल है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर उसके सपने आसमान पर है। अभिषेक बैनर्जी ने दावा किया कि कांग्रेस को अपने क्षेत्र के ही वोट नहीं मिल रहे हैं। बंगाल के साथ साथ असम में भी टीएमसी का वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा है। अभिषेक बैनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तमाम बातें लिखी है। कांग्रेस पर सीधा प्रहार उन्होंने सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर किया। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कह दिया कि इंडी गठबंधन एक ओपेरा शॉप की तरह है जिससे लोगों का मनोरंजन हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ इंडी गठबंधन की एक के बाद एक बैठक होती चली जा रही है, अभी तक भी कुछ भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फाइनल क्या होगा, किस स्ट्रैटेजी पर काम किया जाएगा वो साफ नहीं है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। गठबंधन एक सॉप ऑपेरा है और वो आपको एंटरटेनमेंट देते रहेगा। सुबह एक नाराज होगा, शाम को एक नाराज होगा, सास बहू जैसा जो सीरियल होते थे ना, ऐसा ही आपको हर दिन कुछ ना कुछ नाटक देखते रहेगा। और वो गठबंधन कोई ऑर्गेनिक गठबंधन नहीं है, कोई नीति का ऊपर ये गठबंधन नहीं है, खाली एक ही व्यक्ति का खिलाफ वाला गठबंधन है कि मोदी का खिलाफ करो। इसलिए वो गठबंधन का कोई वैल्यूज भी नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई इम्पैक्ट भी नहीं है, ये लोग खाली जर्नलिस्ट लोगों को एंटरटेनमेंट करते रहेगा। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर शनिवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दावा यह है कि इस बैठक में दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में सीट शेयरिंग को फाइनल टच देने पर बात हुई है। और इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर आम आदमी पार्टी नेताओं की एक बैठक हुई थी। तो सीट बंटवारे को लेकर केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत हुई, राहुल गांधी भी मौजूद थे, तस्वीरें भी सामने आई। सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर क्या चर्चा हुई, क्या सहमति बन पाई, इस पर अभी कोई बयान ऐसा ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, लेकिन यहां मुलाकात की खास रही क्योंकि इस इंडी गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है।